हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अन्नपूर्णा रसोई। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मावा और नारियल के टेस्टी से लड्डू। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मावा ले लिया है, 250 ग्राम हमने नारियल ले लिया है, एकदम फ्रेश और अच्छा नारियल है। ये देखिए, हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, इसमें हमने काजू ले लिया है, बादाम कट करके ले लिया है सारी चीज़ों को। अब ये देखिए, हमने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में हम खोए को भून लेंगे। फ्रेंड्स, खोए को मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना होता है, जब तक कि हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से भूनेंगे। और दूसरी पे हमने ड्राई फ्रूट्स चढ़ा दिए, सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इधर हमारा खोया अच्छे से भून रहा है, ये देखिए इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने स्टार्ट हो गया है। बाकी बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी हम इधर भून लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से खोया हम भून कर तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, कलर इसका स्लाइटली चेंज हो गया है और ड्राई फ्रूट्स भी भून कर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, हमने एक कटोरी के लगभग हमने चीनी ले ली है पीसी, इसमें हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, खोया भुन गया था, हमने गैस से उतार कर अब कढ़ाई में दोनों चीज़ों को मिला दिया है, चीनी को मिला दिया है। और हम तुरंत ही इसे गर्म ही गर्म कढ़ाई में तुरंत फटाफट से चलाएंगे, वरना हमारे लड्डू जो होते हैं वो बंद नहीं पाते हैं। तो इसे हमें गर्म होने पर ही लगातार चलाना है और इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे हैं वो हम डाल देंगे। ये देखिए, हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसे फटाफट से इलायची पाउडर भी डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आपको हाथ की मदद से, आप जैसे अच्छे से कंफर्टेबल फील करें, आप इसे चला लें। और अब ये देखिए, हमने नारियल जो लिया था ये हमने डाल दिया है। आप इसे बाज़ार से भी ऐसे कसा हुआ नारियल ले सकते हैं और हमने ये घर में खुद से किया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। इसे गर्म हो रहने पर ही हमें अच्छे से भूनना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। तो ये देखिए, हम हाथ की मदद से अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लिए हैं। अब हम अपने लड्डू बनाना शुरू करेंगे। गर्म रहते ही हमें सारे लड्डुओं को बांधना है, वरना ये बन नहीं पाते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से लड्डू हमारा बन गया है। ये देखिए, कितना अच्छा लड्डू दिख रहा है। आप अपने साइज़ का जैसा आप पसंद करते हैं, आप वैसा छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, एकदम हाथ में घी आ रहा है, ये साइन है कि हमारा लड्डू जो है ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो ये देखिए, सारे लड्डू हमने इसी तरह से बना लिए हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही न्यू डिश हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।